News. In fact, what we're hearing is from Badruddin Ajmal, who's the AIUDF chief. He has said that they will reopen the 750 madrasas that Hemanta Biswa Sarma had threatened to close and had closed after he had won the election. Hemanta only knows to make fun of Muslim women and men. He makes fun of them in the parliament. He should die in shame. That once he said he doesn't want mere Muslim votes, so why is he now involved in Dhubri? Congress wants Muslims to be illiterate. They are unable to tolerate the fact that Ajmal has sent 700 students. All right, so we're trying to get more information about this breaking news coming in, these remarks that have been made by Badruddin Ajmal, who is the IUDF chief, and has also said that they will reopen all of the 750 madarsas that Hemanta Sarma had closed after he had won the elections. Let's just listen in. हिमंत बिश्व शर्मा ने बार बार ये बोला है कि बदरुद्दीन अजमल को ये नहीं देखना है कि उनके कौम के लड़के लड़कियां डॉक्टर इंजीनियर बने, उनको सिर्फ उनको अपने मदरसास में पढ़ाने हैं और उनको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना है। इसमें ये ऐसा झूठ है जो जैसे सूरज को कोई इनकार कर दे। बदरुद्दीन अजमल, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा मदरसे बंद कर दिए 750 और कहा कि मदरसों में अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाओ। आज भी उन्होंने ऐसा कोई स्कूल नहीं खोला इसमें मदरसे के बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाया जा सके। एक धोखा था मुसलमानों को, प्रॉपर्टी को बीजेपी को हड़पने का। हमारे यहाँ एक सिस्टम है जो मुसलमान पुराने पैसे वाले लोग थे, जो अच्छे काम करने वाले, वो एडुकेशन के लिए उन्होंने ही मदरसा बनाया ताकि बच्चे कौम के पढ़े। आप उसमें मदरसा नहीं पढ़ाना चाहते, इसका मतलब ये है कि आपके दिल में मुसलमानों का मजाक करना है, उनको इंसल्ट करना है, उनकी औरतों को आपको कुछ देना नहीं है। ट्रिपल तलाक के मामले में उन लोगों ने मजाक उड़ाया, मोदी जी ने पार्लियामेंट में मजाक उड़ाया, लेकिन उसके बाद क्या किसी मुस्लिम औरत के लिए, महिला के लिए बीजेपी की सरकार ने आसाम में हो या दिल्ली में कोई ऐसा वेलफेयर का काम किया? मतलब विश्व शर्मा ने पहले बोला था कि हमको मियाँ जो वोट से वो नहीं चाहिए, अभी देखा गया है कि उनका जो चुनावी प्रचार है यहाँ पे बहुत जोड़ों से चल, से डूब मरना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा नहीं हुआ, उन्होंने बोला हमको मुसलमानों का और मियाँ का वोट नहीं चाहिए। एक दिन में मैं मियाँ को गुवाहाटी से साफ कर दूंगा, और मैंने चैलेंज किया था कि आप जिंदगी में मियाँ से साफ नहीं कर सकते। ये आपका इलीगल स्टेटमेंट था, आप जो शपथ लेते हो उसके खिलाफ है। आप किसी को एक कम्युनिटी के नाम से नहीं कर सकते, और यही लोग आपको मछली भी खिलाते। गुवाहाटी में मैंने कहा था कि एक दिन ईद के दिन जब ये लोग नहीं रहते तो गुवाहाटी सन्नाटा हो जाता है। Okay, with that we're heading into a short break, but stay tuned, we'll be right back getting you lots more news and updates. Keep watching.